नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सीख रहे हैं फोटोशॉप का कंप्लीट कोर्स, वह भी सर्टिफिकेट के साथ। अगर आपको नहीं पता कि ये फोटोशॉप कोर्स करने के बाद आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलने वाला है, तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा इस चीज़ का जो वीडियो है उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है। आप उस वीडियो को जा कर के जरूर देखिएगा और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस कोर्स को जरूर से शेयर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस फोटोशॉप का जो इंटरफेस है पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो जो यहाँ पे देखिए, जो ये आपको दिख रहा है ना इस साइड, इसे हम कहते हैं फोटोशॉप का टूल बॉक्स। ठीक है, इसी के अंदर सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी फोटोज को एडिट कर पाओगे। ठीक है, देन अगर आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक नेविगेटर विंडो मिलता है, एक कलर विंडो मिलता है, एक हिस्ट्री विंडो मिलती है और एक लेयर नाम की विंडो देखने को मिलती है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ तो इन चारों विंडो के अंदर से जो आपकी काम की विंडो है वह है ये लेयर वाली विंडो। ठीक है, तो आप इस लेयर वाली विंडो को रखिएगा और जो ये तीन विंडो देखते हैं, नेविगेटर, कलर और हिस्ट्री, इसको अभी फिलहाल के लिए आप यहाँ से कट करके क्लोज कर दीजिएगा। और जो ये आपकी लेयर विंडो है, इस विंडो का क्या यूज़ है उसको मैं इस वीडियो के अंदर आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं फोटोशॉप के इस फर्स्ट ट्यूटोरियल को। तो अगर आपको इसके अंदर फोटो इंसर्ट करनी है तो आप इसमें कैसे इंसर्ट करेंगे, जरा उसको समझिए। सिंपली आप यहाँ पे कहीं भी अपने माउस से डबल क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से ओपन जो आपका विंडो है वह ओपन हो जाता है। ठीक है, इसमें से आप जो इस फोटो को इंसर्ट करना चाहते हो सिंपली उस फोटो को आपको सेलेक्ट करना है और ओपन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये आपकी फ़ोटो है वह यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आया कैसे ओपन हुआ तो फिर से देखिए, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। डबल क्लिक करना है आपको स्क्रीन पे कहीं भी। ठीक है, जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ऐसा ओपन विंडो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डबल क्लिक नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है डबल क्लिक करने में, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, फाइल ऑप्शन में जा सकते हैं और यहाँ पे ओपन आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली अगर आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो भी ये ओपन विंडो आपको देखने को मिल जाएगा। और इस ओपन की शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल के साथ अगर आप ओ बटन दबाएंगे तो भी ये ओपन विंडो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगी। ठीक है, अब आपको जो फोटो चाहिए उस फोटो को क्लिक कीजिए और ओपन पे क्लिक कर लीजिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने ये फोटो यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है या फिर फोटो मैंने यहाँ पे फोटोशॉप में ओपन कर लिया है। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखिए, ये फोटो तो यहाँ पे ओपन हो गया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास दो तरीके की अभी फिलहाल फोटोज होती हैं। एक तो ऐसी फोटो होती है जो कि हम कैमरे से कैप्चर करते हैं, जैसे कि ये वाली फ़ोटो हमने कैप्चर करके अपने फ़ोटोशॉप में इंसर्ट की है, और एक दूसरी फ़ोटो एक ऐसी होती है जिसे कि हम लोग खुद से बना पाते हैं। अब वो दूसरी फ़ोटो अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बनाएंगे, जरा वो देखिए। सिंपल आपको फाइल ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे देख रहे हैं न्यू वाला ऑप्शन, कंट्रोल एन जिसकी शॉर्टकट की है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी फ़ोटो का नाम क्या रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल अपनी फ़ोटो का नाम डेमो रख देता हूँ। उसके बाद आपसे यहाँ पे विड्थ और हाइट पूछी जाएगी आपके फ़ोटो की, मतलब कि आप अपने फ़ोटो की चौड़ाई और लंबाई कितनी रखना चाहते हो, पिक्सल्स में रखना चाहते हो, इंचज में रखना चाहते हो, जिसमें आप रखना चाहते हो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर पिक्सल्स रहने देता हूँ। और यहाँ पे देखिए, जो है प्रीसेट साइज़ के अंदर आपको पहले से कुछ बने बनाए साइज़ भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको A4 साइज़ की पिक्चर बनानी है तो आप सिंपली A4 यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे A4 साइज़ का ही जो पेपर है वो ले लेता हूँ, या फिर ये देखिए 1920x1080 HDTV वाला जो साइज़ है इसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसकी विड्थ कितनी हो गई, 1920 पिक्सल्स और हाइट हो गई 1080 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए आपसे रेजोल्यूशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन कितना है यहाँ पे, 72। अब 72 रेजोल्यूशन होता क्या है वो समझिए। रेजोल्यूशन का मतलब होता है आपका एक क्लैरिटी, कि आप जो फोटो बना रहे हैं उसके अंदर कितनी क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे 300 की जो रेजोल्यूशन है वह डाल देता हूँ, क्योंकि ये रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छी मानी जाती है।
ठीक है। देन इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि जो आप फोटो बनाना जा रहे हो क्या उसका मोड आरजीबी कलर होगा। आरजीबी का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, मतलब क्या वो कलरफुल होगा। अगर आपको कलरफुल चाहिए तो आप आरजीबी कलर चूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको ब्लैक एंड वाइट में चाहिए तो आप यहाँ पे ग्रे स्केल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आरजीबी कलर चूज़ कर लेता हूँ, और जो यहाँ पे बाकी के ऑप्शंस आप देख रहे हैं इसको हम आगे की वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर आउट कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप यहाँ पे आरजीबी कलर को सेलेक्ट रखिए। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कंटेंट्स के अंदर कि जो आप इमेज बना रहे हैं उसका कलर कौन सा होगा। तो उसका कलर हमने यहाँ पे वाइट सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए, बिना किसी कलर का चाहिए, तो आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर बैकग्राउंड कलर में चाहिए तो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे क्लिक तो करेंगे, लेकिन अभी आपको ये बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे सिंपली वाइट कलर का जो आपका फ़ोटो है उसे अभी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सो चलिए मैं यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये एक फ़ोटो आपके सामने बन के आ गया। सो ये जो फ़ोटो अभी आपके सामने बन के आया है, इस फ़ोटो को अभी हम लोगों ने बनाया है, और जो ये वाली फ़ोटो थी ये पहले से ही बनी बनाई थी, इसे हमने कैमरे से कैप्चर किया हुआ ये फ़ोटो था। ठीक है, तो ये हमने बनाई ये फ़ोटो और ये पहले से बनी हुई फ़ोटो है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि जो ये वाली फ़ोटो है इस फ़ोटो को हम अपनी फ़ोटो के अंदर डाल सकें, तो अब ये कैसे होगा जरा उसको समझिए। जब यहाँ देखिए इस टूल बार में आइए, और यहाँ देखिए इस टूल्स के अंदर सबसे पहला टूल आपको दिख जाएगा ये वाला, जिसका नाम क्या है, मूव टूल, और इसकी शॉर्टकट की है वी। ठीक है, सिंपली इसे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद जो ये वाला आपका फ़ोटो है सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको अपनी वाली फ़ोटो में। ठीक है, तो देखिए मैंने इसे यहाँ से पकड़ा और इसे ड्रैग करके लेके आया इसके अंदर, और अपने माउस को छोड़ देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली जो फ़ोटो थी वह कहाँ आ गई, आपके वाले फ़ोटो के अंदर, देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि लेयर का काम क्या है, मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने इस वाली फ़ोटो को अपने वाली फ़ोटो में इस तरीके से ड्रैग करके रखा, वैसे ही देखिए यहाँ पे उस फोटो का एक लेयर क्रिएट हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे एक लेयर ये रही। ठीक है, जो हमने वाइट कलर लिया था वो बैकग्राउंड ये रहा, और जो हमने अभी ये वाली फ़ोटो डाली है वह कहाँ पे है, ये रही लेयर वन पे। ठीक है, अगर मेरे को इसे मूव करना है तो इस तरीके से मैं इसे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, अपने मूव टूल से ही, लेकिन ये तभी मूव होगा जब आपने यहाँ से ये लेयर सेलेक्ट की होगी। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से इसे हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके अगर आप इसे मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि जो आपका बैकग्राउंड होता है वह मूव नहीं होता है, इसी वजह से देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, कुड नॉट कम्प्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड मूव नहीं होगा। अगर आप अपने इस लेयर को, मतलब इस फोटो को मूव करना चाहते हैं, तो सिंपली पहले आपको इस फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि देख रहे हैं लेयर वन, इस पर मैंने क्लिक किया और ये सेलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद मैं इसे कहीं भी किसी भी तरीके से मूव कर सकता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो अपनी फ़ोटो को यहाँ पे फुल स्क्रीन में भी कर सकते हैं। कैसे होगा ये देखते हैं, सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा मैक्सिमाइज पे, तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा, इस फ़ोटो को थोड़ा जूम इन करना या फिर जूम आउट करना, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में एक शॉर्टकट की दी गई है, कंट्रोल के साथ आप प्लस बटन दबाएंगे तो ये जूम इन होगा, और कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाएंगे तो ये जूम आउट होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस से जूम इन और कंट्रोल माइनस से जूम आउट। ठीक है, और अगर आप कंट्रोल के साथ जीरो बटन दबाएंगे तो ये फिट इन विंडो की शॉर्टकट की है, मतलब आपकी जो फ़ोटो है वह आपके स्क्रीन में पूरी फिट आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो अब आपको पता चल गया कि किस तरीके से आप छोटा बड़ा करेंगे फ़ोटो को। तो चलिए अब जो ये सीखिए कि जो ये आपने फ़ोटो यहाँ पे डाली है ये वाली लेयर वाली, ठीक है, इसका आप साइज़ कैसे छोटा करोगे, मतलब इसके अंदर जो ये हमारी बड़ी वाली फ़ोटो है, इस फ़ोटो के अंदर मैं इस फ़ोटो का साइज़ थोड़ा छोटा करके साइड में रखना चाहता हूँ, तो ये कैसे होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट कर लेना होगा लेयर वन को, और कंट्रोल के साथ टी बटन आपको दबाना है। क्या, कंट्रोल के साथ टी बटन। तो जैसे ही कंट्रोल टी बटन आप दबाएंगे, वैसे ही यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे ये इस तरीके से बॉक्स भी देखने को आपको मिल गया। अब आप चाहें तो इसे इस तरीके से छोटा कर सकते हैं,
चाहे यहाँ से इस तरीके से इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। तो जो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहें वो आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप इसे रोटेट भी करना चाहते हैं तो देखिए, आप थोड़ा सा कॉर्नर से इधर थोड़ा ऐसे लेके आइएगा, तो देखिए इस तरीके से आपको कर्सर दिखेगा, देख पा रहे होंगे अभी। अगर आप क्लिक करके ऐसे रोटेट की तरफ इस तरीके से नीचे की तरफ करेंगे तो देखिए इसे आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप कहीं भी उठा के भी इसको कहीं भी किसी भी जगह पर आप ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, जैसे कि आपने आपको जितना बड़ा करना था या जितना छोटा करना था अगर आपने कर लिया, तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ऊपर आपको चेक का बटन दिख रहा है, इस पर चेक पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी जा कर के ये एक्सेप्ट करेगा कि हाँ आपको जितनी ट्रांसफॉर्मेशन जितनी भी चेंजेस करने थे इस फोटोज़ में आपने कर लिए, ठीक है। जैसे ही मैं अगर इसे चेक कर दूँगा तो ये ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्रॉस का बटन है, अगर मैं इस पर कैंसिल पे क्लिक कर दूंगा तो जितनी भी मैंने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की है वो सब कैंसिल हो जाएगी, और जैसे ये फ़ोटो थी पहले वे पहले जैसी हो जाएगी। देखिए मैं आपको कैंसिल करके दिखाता हूँ, तो देखिए जैसा पहला था वैसा हो गया फिर से, ठीक है। फिर से मैं कंट्रोल टी बटन दबाता हूँ और इसे थोड़ा छोटा करता हूँ। अब जब देखिए यहाँ पर मैं जब छोटा कर रहा हूँ तो देखिए इसकी हाइट एकदम पिचक जा रही है, एकदम कम हो जा रही है हाइट और विड्थ, ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसका जो एक्सपेक्ट रेशियो है वह ख़राब हो, तो उस केस में आप इस फोटो को तो छोटा करिए लेकिन शिफ्ट बटन के साथ। अगर आप शिफ्ट बटन के साथ इसे छोटा बड़ा करेंगे तो एकदम एक्सपेक्ट रेशियो के अंदर ही छोटी बड़ी होगी, ठीक है। मतलब ना ज़्यादा इसकी विड्थ छोटी होगी और ना ज़्यादा इसकी हाइट छोटी होगी, ऑटोमेटिकली जितने साइज़ में पहले था उसी के हिसाब से इसकी हाइट और विड्थ दोनों मैनेज और मेंटेन की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको इतना इतना छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको इसे चेक करके फोटोशॉप को बताना पड़ेगा कि जी हाँ मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, अब आप इसको इसी तरीके से रहने दीजिए। तो इतना बताने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर जो चेक का बटन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक कर देंगे इस पे जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन किए होंगे वह यहाँ पे लागू हो जाएंगे, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से अब आप इसे जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने आपको जितना भी फोटोशॉप में अभी सिखाया है वह सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यह फोटोशॉप का आपका पहला वीडियो है ट्यूटोरियल का, इस वजह से अभी मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ। फिलहाल अभी मैंने आपको जितना करवाया है इन सब चीज़ों पे आप जरा फोकस कीजिएगा, मतलब इमेज को किस तरीके से छोटा करना है, किस तरीके से बड़ा करना है, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ ये लेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि लेयर यहाँ पे कैसे काम करती हैं, ठीक है। मतलब जो भी आप फ़ोटो बनाओगे वो अलग अलग लेयर्स पे बनेगी, जैसे कि ये वाली फ़ोटो अलग लेयर पे है। अगर आप इसमें एक और फ़ोटो इंसर्ट करना चाहते हो तो सिंपली डबल क्लिक कीजिए और एक और फ़ोटो आप यहाँ पे इस तरीके से जो फ़ोटो आपको चाहिए इसे ओपन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इस फ़ोटो को भी उठा के इसमें डाल देंगे, तो देखिए ये फ़ोटो भी यहाँ आ गई। अब आपको अगर इसे छोटा करना है तो कंट्रोल टी बटन दबाइए और शिफ्ट के साथ मैं इसे छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और उठा के जहाँ रखना चाहते हो वहाँ रख के फोटोशॉप को बता दो कि जो मैंने चेंजेस करने थे वो कर लिए, तो यहाँ चेक कर दीजिए तो इसे पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो अपना एक कोलाज भी बना सकते हैं, अगर फ़ोटो का अगर आप कोलाज बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। फिलहाल चलिए मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आप किसी का भी फ़ोटो लीजिएगा, जो भी नहीं कि आपका ही हो, किसी का भी हीरो हीरोइंस का भी हो सकता है, एक कोलाज बनाइएगा अच्छा सा और उसको अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक करके आपको हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, ठीक है। तो यही है आपका आज का टास्क, ठीक है। अब जरा ये सीख लीजिए कि जो आपने फ़ोटो बनाया है ये वाला फ़ोटो, ठीक है, इसको आप सेव कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेव जो होता है वह PSD फॉर्मेट में होता है, ठीक है। जो PSD फॉर्मेट है वह फ़ोटोशॉप का खुद का फॉर्मेट है। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि फ़ोटोशॉप का जो एक्सटेंशन नेम होता है वह होता है .psd, PSD की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है, PS से फ़ोटोशॉप, D से डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा फ़ोटोशॉप का एक्सटेंशन नेम, ठीक है। तो चलिए अब इसे देखिए सेव कैसे करना है। तो सिंपल फाइल में जाइएगा, यहाँ पे सेव एज ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पहले फ़ाइल नेम देना होगा, तो चलिए मैंने डेमो दे दिया यहाँ पे फाइल नेम। देन उसके बाद देखिए आपसे फॉर्मेट पूछ रहा है यहाँ पे, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप का क्या फॉर्मेट आया है, .psd फॉर्मेट, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मेट में इसको सेव करते हो तो आप क्या कर पाओगे, आप इसे बाद में फ़ोटोशॉप में ओपन करके एडिट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस
फ़ोटो को JPEG फॉर्मेट में सेव करते हो जो कि नॉर्मल फ़ोटो का फॉर्मेट होता है, तो उस केस में अगर आप उस फ़ोटो को दोबारा आप ओपन करते हो तो वो फ़ोटो आप फोटोशॉप में एडिट नहीं कर पाओगे। जैसे अगर आप चाहोगे कि इस फ़ोटो को मैं इधर उठा के इधर कर दूं या फिर इधर उधर कर दूं, तो वो इतनी जल्दी आसानी से नहीं होगा। बाकी वो सारी चीज़ें होंगी, अगर आप करना चाहें तो हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको और भी टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर इस तरीके से ओपन हो रखी है ये फ़ोटो, तो अभी आप सिंपली इसे उठा के इधर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारी लेयर्स अलग अलग हैं। लेकिन उस केस में क्या होगा JPEG फॉर्मेट में कि ये सब एक बन जाएगा, बैकग्राउंड बन जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी आप क्या करिएगा, यहाँ पे JPEG में ही सेव कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड जो करना है, ठीक है। तो यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा आप JPEG फॉर्मेट, देख रहे हैं यहाँ पे, क्लिक कीजिएगा इसको और उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर लीजिए, ठीक है। सेव के बटन पे क्लिक कीजिएगा और ओके के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इतना करने से क्या होगा, सेव हो जाएगा। अब मैं इसी फ़ोटो को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देखिए मैंने डाउनलोड फोल्डर अपना ओपन किया और यहीं पे मैंने सेव किया था, तो देखिए डेमो कॉपी के नाम से ये मेरा सेव हो गया। मैं अगर डबल क्लिक करके ओपन करूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ जो भी आज की इस वीडियो मैंने आपको सिखाया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।